माधव मारू जी तो कहते हैं कि मैंने बहुत विकास करवाया है, और अक्सर वो जहाँ जब भी भोपाल जाते हैं तो करोड़ों की योजना लेकर आते हैं, तो क्या काम में नज़र नहीं आ रहा है क्या फील्ड में अपने को? हाँ, उनकी नज़र में अगर वो ये विकास हो रहा है तो वो उनकी सोच है कि अच्छा विकास कर रहे हैं वो, लेकिन जनता की नज़र में जब होता है कि विकास हुआ है तो जनता कहे कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, उपलब्धि तो नज़र आती है। पहले जो है कितने डैम बने हमारे बनासा क्षेत्र में, जब दिवसीय सरकार थी तब की बात करें तो तालाब बने, सड़कें बनी, तो वो उपलब्धियां नज़र आती है लोगों को। बेरोजगारों को रोजगार पे लगाने की कोई सरकार की व्यवस्था नहीं, न कोई पहल है। ऐसी स्थिति में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई भी जनप्रतिनिधि बात करना ही नहीं चाहते हैं। ये बड़ी बात है, जब पेट्रोल और डीजल का भाव मनमोहन सिंह जी की सरकार में 55 और 60 हुआ करता था जी, तब 1-2 रुपए का भी बढ़ जाते थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सारे नेता आंदोलन करते थे, सड़कों पे आ जाते थे, सड़कों पे आ जाते थे। अब उस समय $157 पर बैलर हो गया था कच्चे तेल का भाव, और आज कम होते होते बीच में तो 38-39 पर डॉलर पर बैरल डॉलर हो गया था, अभी भी 60-62 के करीब है, एक तरह से दो आधा रेट से भी कम हो गया। तो पेट्रोल डीजल के भाव कम होने चाहिए थे बढ़ने से जी। अब गैस के उपयोग हर गृहिणी कर रही है घर में, सरकार कह रही कि भाई धुआं होता है, गैस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन लगातार जब 350 से 450 रेट हुए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो पूरे देश में आंदोलन हुआ था, गैस के भाव बहुत बढ़ गए, हम भी सोचते थे कि बहुत बढ़ गए रेट, लेकिन 450 से 900 रुपये ऐसा कभी हुआ है कि अभी तक सरकारों में कि 5 साल 7 साल में दुगने रेट हो गए हों जी। सरसों का तेल, मीठा तेल जो खाते हैं हम लोग, जो उपयोग करते हैं, उसका रेट 65-70 रुपये मैक्सिमम हुआ करता था, आज 140 और 150 रुपये हो गया। तो एक कीमत बढ़ने की भी एक सीमा होती है जी। कि 5% मूल्य बढ़ गए, 10% बढ़ गए, दुगने मूल्य हो गए, उसके बाद भी जनता कह रहे हैं कि सहनशीलता रखो, और जनता कितनी सहनशील है, फिर भी सरकार में बैठे हुए लोग कुछ नहीं बोल रही जनता। ये तो विपक्ष की भूमिका साइलेंट क्यों है, विपक्ष बोलता नहीं? विपक्ष समय समय पर बोलता है जी, और ये वैसी ये बात तो सभी मानते हैं जी, कि कांग्रेस को सरकार चलाना आता है, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका अदा करना आती है। उस लेवल पर जो विरोध होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से नहीं कर पा रहे हैं, और वो उस स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दे रहे हैं बराबर की आंदोलन अब अपने को करना है, कि ये भाई गलत नीतियों का विरोध करना है। अब होता क्या है कि जब 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 विरोध होता है तब तक ये लोग बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो अंग्रेजों का राज था, उस समय जिस तरह से लोगों को दबाया जाता था वैसा ही सरकारें अभी दबाने का काम कर रही हैं जी। निश्चित रूप से लोगों को ये सोचना चाहिए कि देश आज़ाद हो गया है, लोकतंत्र है, सही को सही कहें और गलत को गलत कहें जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर से तो ये कह रहे हैं कि हाँ महंगाई तो बहुत हो गई वास्तव में, लेकिन करें क्या, हम तो बोल नहीं सकते, और आप लोगों को विरोध करना चाहिए। तो हम लोगों को भी उनने सुझाव दिया, तो हम इस निश्चित रूप से इस विरोध को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।